ऋतुचर्या, पिछली वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऋतुचर्या पे बात करेंगे। ऋतुचर्या मीन सीजनल प्रैक्टिसेस। हेल्दी रहने के लिए कुदरत का एक अपना नियम है कि अगर हम उस नियम को फॉलो करें तो काफी हद तक हम आजकल जो हर सीजन चेंज होने पर बहुत सारी बीमारियां महामारी की तरह आती हैं, खासकर सीजनल फ्लूज एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो हर बार सीजन बदलने पर सबको लगभग लगभग फेस करना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि सीजन बदलने पर बीमारियां जो हो बढ़ रही हैं, कभी फ्लू है तो कभी डेंगू है, कभी दूसरी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। इसका एक ही कारण है, मौसम को या सीजनल प्रैक्टिसेस को ठीक तरीके से फॉलो ना कर पाना। आयुर्वेद में इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। खासकर तीन ऋतुएँ हम फेस करते हैं, एक गर्मी की, एक बरसात और एक सर्दी ऋतु। इन तीनों ऋतुओं में हमारे तीन दोष प्लस और माइनस होते हैं। हर ऋतु के साथ एक दोष जुड़ा हुआ है। दोष में स्त्री दोष, जिसको हम आयुर्वेद में वात पित्त कफ के नाम से जानते हैं। जब ये वात पित्त कफ बैलेंस होते हैं तो हम हेल्दी होते हैं, और जब ये वात पित्त कफ इम्बैलेंस होते हैं तो हम किसी ना किसी रोग से ग्रसित होते हैं या हमारी हेल्थ डिस्टर्ब होती है। आइए शुरू करते हैं एक एक सीजन को लेकर के, हम सीजन में क्या ध्यान रखें। खासकर जो मैक्सिमम एडवाइजरी है वो फूड से रिलेटेड ज़्यादा होती है। सबसे पहला थंब रूल है कि उस सीजन में जो पैदा होने वाली चीज़ें हैं, हर डेमोग्राफी में एक फूड पैटर्न होता है, एक वेजिटेशन, एक कल्टीवेशन पैटर्न होता है। अगर हम उस सीजन में पैदा होने वाली चीज़ों को, जो जिस एरिया में आप रह रहे हैं, अगर उनको आप क्लोजली ऑब्जर्व करें, अगर वही चीज़ अपने खाने में पीने में आप शामिल करें तो काफ़ी हद तक आप होने वाले चैलेंजेस से, हेल्थ चैलेंजेस से, बीमारियों से बच सकते हैं। सर्द ऋतु में हमारा कफ दोष जो है वो प्रधान दोष होता है। तो कफ दोष को कंट्रोल करने के लिए हम उस सीजन में खासकर बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से बचें, कड़वी चीज़ें, जो कड़वी बिटर चीज़ें हैं वो खाने से बचें। जो खाने की चीज़ है सर्दी में, वो आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गुड़ और गन्ने से बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तिल खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल, और खासकर विटामिन सी, विटामिन सी आंवला हुआ या ऑरेंजेस हुआ, ये सब चीज़ें जो है वो विंटर्स में ही पैदा होती हैं और विंटर्स में ही इनको ज़्यादातर हमें खाना चाहिए। जब हम समर्स की बात करते हैं, समर में हमारा पित्त दोष जो है वो प्रधान दोष होता है। तो पित्त को कंट्रोल करने के लिए हमें वाटरी फूड्स या वाटरी फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे वाटरमेलन है या खरबूजा है, और दूसरे तरह के जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो हमें ज़्यादा खाने चाहिए। उसमें हमें ज़्यादा तीखे मिर्च मसाले खाने से बचना चाहिए। और अगर हम मानसून सीजन या रेनी सीजन की बात करते हैं तो उसमें हमारा वात दोष प्रधान दोष होता है। तो वात को कंट्रोल करने के लिए ये एडवाइजेबल है कि बहुत ज़्यादा वाटरी फूड्स का जो को हम अवॉइड करें, खासकर दही को भी जो है मानसून सीजन में, रेनी सीजन में हमें अवॉइड करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो बहुत हार्ड डाइजेस्ट होती हैं, क्योंकि मानसून सीजन में हमारा डाइजेस्ट सिस्टम ऑल टाइम स्लो होता है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ हम खाते हैं, खासकर डीप फ्राइड चीज़ें खाते हैं, उससे डाइजेस्ट सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उससे जो इन्फेक्शन का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। खासकर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश फूड एंड ऑल नॉन वेजिटेरियन फूड भी रेनी सीजन्स में हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ एन हार्ड टू डाइजेस्ट फूड। तो अगर ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस फॉलो करें तो इट्स अ बिग लिस्ट, बट ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर इनको फॉलो करें तो काफ़ी हद तक हम नेक्स्ट सीजन के लिए अपने शरीर को तैयार कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियां जो सीजन चेंज होने पर हमें होती हैं उनसे हम बच सकते हैं। थैंक यू।